कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा जो एजुकेशन पे गंभीरता से रिपोर्ट करती हैं, उनकी एक खबर पर अगर सबका ध्यान जाता तो मुद्दा बड़ा बन सकता था। रिपोर्ट ये थी कि यूजीसी ने ऐसी नीति बनाई है जिसके परिणाम स्वरूप यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी शिक्षकों की संख्या पहले से और कम हो जाएगी। रितिका चोपड़ा के ने अपने सूत्रों के आधार पर लिखा था कि यूजीसी की इस नीति को मानव संसाधन मंत्रालय स्वीकार करने के कगार पर पहुंच चुका है। रितिका इस खबर को अक्टूबर 2017 से रिपोर्ट कर रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने इस मामले में यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह से प्रतिक्रिया मांगी मगर जवाब नहीं मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अप्रैल 2017 के आदेश के आलोक में नया फॉर्मूला बना है जिसमें कहा गया है कि आरक्षण के मामले में अब एक हर विभाग को अलग इकाई माना जाना चाहिए। यूजीसी ने आरक्षण पर 10 फैसलों के अध्ययन के बाद यह फॉर्मूला बनाया है। देश में 14 लाख शिक्षक हैं करीब करीब, जिसका मात्र 7% शिक्षक दलित हैं, अनुसूचित जाति हैं। अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों का प्रतिशत तो और भी कम है, मात्र 2.12%। सोचिए, ये सब रितिका की रिपोर्ट में है। इसका मतलब है कि कभी भी आरक्षण लागू ही नहीं हुआ, ये सिर्फ मुद्दा बनाकर डराया जाता है। जिन्हें नौकरी नहीं दी जाती है उन्हें आरक्षण का डर दिखाया जाता है और जिन्हें आरक्षण से मिलना चाहिए उन्हें नौकरी नहीं दी जाती। ये पॉलिटिक्स है। देश के 41 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 17,106 शिक्षकों के पद हैं। 1 अप्रैल 2017 तक 5,997 पद खाली हैं। इतने बेरोजगार सड़क पर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 35% पद खाली हैं। अब नए फार्मूले से अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी और कम हो जाएगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्र 13 दिन से हड़ताल पर हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टिस के चारों कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। उनके आंदोलन में ये यूजीसी की नई नीति का भी हिस्सा शामिल है। इन छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों को काफी मार पड़ रही है। पहले उन्हें 4,500 रुपए की सालाना फीस देनी होती थी। स्कॉलरशिप कम करने के बाद उन्हें 62,000 रुपए सालाना फीस देनी पड़ रही है। अगर ऐसा है तो ये बड़ा मामला है। टिस में 500 से अधिक ऐसे छात्र हैं जो स्कॉलरशिप पर आश्रित हैं। इस तरह के सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कैंपस में पिछले 14 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को कम किए जाने के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी और ओबीसी छात्रों को पहले जहां एडमिशन के दौरान करीब 4,500 रुपए फीस भरना पड़ता था, वहीं अब इन छात्रों को प्रतिवर्ष करीब 62,000 रुपए भरने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में करीबन 500 से ज्यादा छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इन छात्रों पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में किए जा रहे कमी का असर पड़ रहा है। इस कैंपस की 62,000 सेमेस्टर की फीस है। किसी के फादर की इनकम 40,000 है, वो किस तरह इस एडमिशन की फीस जमा करेगा? और ये बात इस कैंपस की क्यों है? क्योंकि ये कैंपस की बुनियाद ही उन बच्चों को एडुकेशन देने के लिए रखी गई थी, इसीलिए। और आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट आने के बाद पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी समाज के खिलाफ चीज़ों को और उनके खिलाफ उत्पीड़न उनका हो रहा है। मैं एज अ दलित स्टूडेंट, एज अ दलित वुमेन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात रखना चाहूँगी कि लड़कियों को 12 के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल है, जो गांव से आती है या फिर सिटी से आती है। मेरा भी, मेरे फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं है कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में आके पढ़ूँ, लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रगल किया और यहाँ पे आके पढ़ रही हूँ। लोन ले रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, लेकिन पढ़ रही हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी मेरी फ्रेंड्स है, सहेलियाँ हैं, दोस्त है, जो भी है, पढ़ना चाहती है, लेकिन अगर उनके फैमिली से पहले स्ट्रगल करो, उसके बाद यहाँ पे आके इस एडमिनिस्ट्रेशन से और इस कास्ट पेट्रियार्की से स्ट्रगल करो। इससे पहले सरकार ने साल 2015 में ओबीसी छात्रों को मिलने वाले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को खत्म किया था, जिसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी छात्रों को भी पूरी फीस भरनी पड़ती है। इसका असर यह हुआ कि टीआईएसएस में पढ़ने वाले ओबीसी छात्रों में कमी आई है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार साल 2014-15 में जहां टीआईएसएस में 22% छात्र ओबीसी थे, वहीं स्कॉलरशिप हटाए जाने के बाद साल 2015-16 में ओबीसी छात्र घटकर 20% रह गए और साल 2016-17 में आंकड़ा घटकर अब 18% ही रह गया है। इंस्टीट्यूट में ऐसे कई छात्र हैं जिनके परिवार की सालाना कमाई 2 लाख रुपयों से भी कम है। ऐसे में ये छात्र 62,000 रुपये फीस के तौर पर कैसे भर सकते हैं? घर वाले तो कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे मत रहो, वापस आ जाओ, घर पे रह के पढ़ाई करो, क्योंकि फिर से इतना पैसा भरना पड़ेगा। भाई बहन भी है, उनका भी एजुकेशन बाकी है, तो इतना सारा पैसे कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए तुम घर पे आकर ही अब पढ़ाई करो।
छात्रों को जहां ये डर है कि स्कॉलरशिप हटाए जाने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भविष्य में ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वहीं संस्थान ने अपने बचाव में कहा है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से फंड नहीं मिलने के कारण दिक्कत बढ़ती जा रही है। कई चीजें हैं जो एक इंस्टीट्यूशन अपने लेवल पे कर सकता है, कई चीजें हैं जो सरकार के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक लार्जर पॉलिसी इशू है, इसलिए हम उनके जो उनकी जो सिचुएशन है हम उसको बिल्कुल नहीं नकार। हालांकि छात्रों का कहना है कि TISS ने साल 2013-14 से लेकर 2016-17 के बीच फीस में करीबन 45% की बढ़ोतरी की है और संस्थान के पास फंड की कमी नहीं है। फिलहाल छात्रों का कहना है कि जो प्रदर्शन पिछले 14 दिनों से चल रहा है वो तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी सारी मांगों को सरकार नहीं मान लेती। एक तरफ जहां कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उसने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की हैं छात्रों को मदद पहुंचाने की, वहीं दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो अभी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, जिसके कारण जो 13 दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं वो इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा। मुंबई से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।